गुड मॉर्निंग एस डी टी वी स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, पाठ नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर हम पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। तो लेखक जी क्या बता रहे हैं कि अब हमारा खान पान बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि एक जगह की चीज़ दूसरी जगह पर नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर शहर में सभी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हमारे खाने में क्या ज़्यादा शामिल हो गया है, फास्ट फूड शामिल हो गया है। लोग बर्गर पिज्जे को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। तो चलिए हम पाठ का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था, वह कस्बों तक पहुंची है। पहले क्या होता था, ब्रेड सिर्फ साहब लोग खाते थे, लेकिन अब वो कस्बों गांव तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है? नई पीढ़ी। वो क्या ज़्यादा खाने लगे? फास्ट फूड, जो पहले के स्थानीय व्यंजन के बारे में बहुत कम जानती है और कहीं नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। यानी कि जो पहले के स्थानीय व्यंजन थे उनके बारे में तो कुछ जानती ही नहीं, लेकिन जो नए व्यंजन आ रहे हैं उनके बारे में बहुत जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी कि उनकी क्वालिटी में फ़र्क आ गया। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है, यानी कि उनके गुणों में फ़र्क पड़ गया। पहले वाला स्वाद टेस्ट अब नहीं आता। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत कह लो टाइम भी अब कितने लोगों को रह गई है, यानी कि टाइम ही नहीं रह गया लोगों के पास। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य, यानी कि बहुत मुश्किल हो गया है। कि खरबूजे के पहले लोग बीज सुखाते थे, फिर छीलते थे, फिर उनसे कोई व्यंजन बनाते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन बनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, आसानी हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली, यानी कि जो मुश्किल तरीके से बनने वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, यानी कि जो किताबें आती हैं व्यंजन बनाने की उन्हीं का सहारा लेकर जो मुश्किल चीज़ें हैं वो बनाई जा रही हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है कि ये आसान सा ही लगता है कि सही हो रहा है जो हो रहा है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। बिल्कुल सही कि जिन व्यंजनों को बनाने में मेवे लगते हों या ज़्यादा खर्च आता है उनको बनाने के लिए सभी सोच के बनाएंगे, और महंगाई की वजह से है ये, और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए जो मुश्किल व्यंजन है वो किताबों का सहारा लेकर बनाए जा रहे हैं। ज़्यादा लोग अब फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया लोगों ने। थैंक, आपने बेटा लेसन को अच्छे से रीड करना। हमने पाठ का भाग नंबर 2 रीड कर लिया, तो आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।